लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और इन आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित करे। उनका कहना है कि कांग्रेस अभी अल्पमत में है। इस बारे में उन्होंने राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। भार्गव ने राज्य सरकार से जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह 22 दिन भी चलेगी या नहीं, अभी इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 114 और भाजपा के 109 विधायक है। कांग्रेस को 4 निर्दलीय विधायकों के साथ बसपा और सपा के विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। इधर गोपाल भार्गव के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि गोपाल भार्गव जी अभी 23 मई का इंतजार करिए, उसके बाद आपकी पार्टी के ही विधायक नेता और प्रत्याशी आपके विरोध में बिगुल बजाने वाले हैं। आपके पद पर ही संकट आने वाला है, अपने विधायकों को भी संभाल कर रखिए।